हम दिखाते हैं आपको वो खबरें जिनका जनता से होता है सीधा संबंध, क्योंकि हम हैं जनता के प्रहरी। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल, जनता की आवाज। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, हमारे बापूजी को रिहा करो। तो जो बापूजी पे जो अत्याचार हुआ है, आज यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, तो इनसे हम बात करते हैं जो मीडिया में चल रहा है। 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक, हर एक औरत बापू को बाहर लाने के लिए संकल्प में, ज्यादा से ज्यादा संकल्प में सहभागी हो रही है। मतलब महिलाएं ज्यादा आगे हैं, बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें इसलिए संकल्प कर रही है। इसलिए ये अफवाहें जो है मीडिया की, इस पे कोई भी भरोसा ना करे। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू संतों के ऊपर ज्यादा ही कुछ मीडिया दिखा रही है, जबकि पादरी और ईसाइयों मिशनरियों के, पादरियों पे और मौलवियों पे जो ऐसे बहुत सारे आरोप है जो मीडिया में आते तक नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? मीडिया ज्यादा से ज्यादा आरोप लगा रही है। लड़की ने ऐसे दोषारोपण लगाए बाबू पे, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला होने का नाजायज फायदा ना उठाइए और सच के साथ चलिए। मैं बापूजी से 20 साल से जुड़ी हूँ और 20 साल से मैं आश्रम में जाती हूँ, पर 20 साल में मैंने हजारों लड़कियां देखी, एक ने भी उंगली नहीं की बापूजी के ऊपर। अगर न्याय व्यवस्था एक लड़की को देखकर इतना बड़ा, बापूजी को 6 साल हो गए आज फिर भी बापूजी को जमानत ही नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज में सबसे बड़ी रोक तो बापूजी ने लगाई है। आज बापू जैसा कोई नहीं है जो हिंदू खिलाफ उठ सके। ये बापू जी ही है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। न्याय व्यवस्था को विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को खारिज किया जाए, बोगस जो षड्यंत्र रचा है वो सामने लाया जाए। तो मीडिया में प्रोपेगेंडा रचा है उसमें कितना सच्चाई है, इस विषय का क्या कहेंगे? मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा रखा है ना, उसमें बिल्कुल सब झूठी बात है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है उसमें, क्योंकि हम 20 साल से इसमें जुड़े हैं और हम अपने गुरुदेव से बहुत सारा बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। गुरुजी बहुत सालों से जेल में है, जबकि जो मीडिया दिखा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, महिला दिवस है उस पे आप बताइए। मला असं वाटतं की मीडियावर विश्वास ठेवू नये कोणी, कारण त्यांना खूप वाढवून चढवून सांगायची सवय असते, तर प्रत्येकाने आपल्या गुरूंवर विश्वास ठेवून त्यांच्या विषयी भक्ती वाढवली पाहिजे असं मला वाटतं। आणि आजच्या जागतिक महिला दिनी म्हणजे सगळ्या महिलांच्या वतीने मी विनंती करते, आणि आपण विश्वास न ठेवता प्रत्येक साधकांनी स्वतःची इच्छा शक्ती वाढवून भक्ती वाढवून बापूंना लवकरात लवकर सुटून बाहेर येऊ देत अशी संकल्प असा संकल्प करावा। इस देश में अधर्म ज्यादा फैलता है और संतों की बदनामी की जाती है, जो ब्रह्मज्ञानी संतों की बदनामी की जाती है, उधर हम इंसान कुछ नहीं कर सकते लेकिन प्रकृति जो है इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकती है। इन्होंने हमारे संतों को जो बुरे बुरे आरोपों में उनको लगता है कि हाँ बापूजी झूठे हैं, बापूजी ऐसे वैसे, उन लोगों को भी एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी बापूजी के आगे झुकेंगे और पूरी दुनिया बापूजी का जयकारा करेंगे। बापूजी को रिहा कर।